हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल वर्सिफायर ऑन व्हील्स। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कृष्णा दीक्षित। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मेरी लिखी हुई पोएम के बारे में, जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी। उसको लिखने के पीछे का मेरा जो मोटिव था वो कुछ इस तरह से था कि जब कोई पर्सन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, सडनली जब वो एक दिन आपको छोड़ के चला जाए, तब आपको क्या फ़ील होता है, आप किस दौर से गुज़रते हैं, क्या सोचते हैं, क्या अपने आप से सवाल करते हैं। तो ये वीडियो उसी के लिए थी जो मैंने बनाई थी, बना रहा हूँ। तो कविता शुरू करते हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता कुछ इस तरह से है। कुछ सवाल हैं मेरे खुद से, कुछ सवाल हैं मेरे खुद से, जो करते रहते हैं सुबह शाम। क्या तुमसे दिल लगाना सही था? क्या तुमसे उतनी दफ़ा मिलना सही था जितनी दफ़ा तुम चाहती थी? क्या तुम्हारा यूं मुस्कुराना सही था जब हंस के हमें रुलाती थी? क्या तुम्हारा नज़रें चुराना सही था जब शब्दों को तुम छुपाती थी? क्या रात भर जग कर बात करना सही था या दिल को तुम बहलाती थी? क्या वह सीने से लगना तुम्हारा सही था जब दिल को हमारे चुराती थी? क्या वादे सच्चे थे सारे या फिर झूठी बातें थी? क्योंकि जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वह सब सच्ची बातें थीं सारी, तो फिर गलत हम भी ना थे। टूट गए वह वादे सारे किए जो तुमने हमसे थे। भूल गई क्या रातें सारी जब संभाला हमको करते थे? या फिर भूल गई वो हंसना अपना जो अब गुमसुम सा रहते हो? इतने ना थे खुददार कभी तुम जितना अब तुम बनते हो। काटती है तन्हाई तेरी, दिल को कैसे समझाएं? दिल तो है नादान परिंदा, ये मिलना तुमसे है चाहे, मिलना चाहता है तुमसे यह, बातें करना चाहता है। एक दिन तुम फिर आओगी, इस आस में जिए यह जाता है। मौत सामने खड़ी है मेरे, करता हूँ तुम्हारा इंतज़ार सनम। आ तुम जाना जल्दी से, कहीं हो ना जाए देर सनम। वक्त नहीं है ज़्यादा हम पे, फिर अशकों से भीगेंगे नैन सनम। क्योंकि कुछ सवाल हैं मेरे खुद से, जो करते रहते हैं सुबह शाम, सुबह शाम। तो फ्रेंड्स, ये थी वो पोएम मेरी लिखी थी जो भी मैंने आप लोगों के सामने पढ़ के बताई है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी आपको। बाकी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, मतलब जैसे भी मैंने कविता थी, इसके अंदर एक बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई है, सो उसी के ऊपर लिखी थी मैंने ये। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने आप को कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेंगे। बाकी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहीं पे कोई गलती हुई हो तो वो भी बताइएगा, जिससे मैं सुधार कर सकूं और जो अगली वीडियो बनाऊं मैं आप लोगों के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तौर पे बना पाऊं मैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिले एंड मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ।